नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस समय गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों के सीज़न में पुदीना और कच्चे आम भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो आइए मैं आज आपको बताऊंगा कि पुदीने और कच्चे आम की चटनी किस तरीके से बनाया जाए। दोस्तों, हमने ये आम ले लिया है और इसे हम छील लेंगे। तो हम आम को काट लेते हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। देख लीजिए इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लीजिए। तो दोस्तों, हमने ये काट लिया है, आम के पल्प को निकाल लिया है। इसके बीज को नहीं निकालना है, इसके बीज को फेंक देना है। जितना पल्प होता है उसको अलग कर लेना है। और लगभग हमने 250 ग्राम पुदीना लिया है, इसको हमने दो बार अच्छे से धोया है और इसको हमने सुखा लिया है। अब इसको हम इसके डंठल को फेंक देंगे, सिर्फ पत्ते जो है, पत्तों को हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हम ग्राइंडर में कच्चे आम डाल देते हैं और जैसा कि हमने पुदीना को डंठल से अलग कर दिया है, हम पुदीना भी इसमें डाल देंगे। हमने 5 बड़ी मिर्च ली है, इसका डंठल तोड़ लीजिए और चाहे तो स्वाद अनुसार आप अपना तीखा या बढ़ा सकते हैं। ये जैसे 4 लहसुन लिए हमने कली, 2 छोटी चम्मच ये सौंफ है, सौंफ आप देख के लीजिए, बड़ी सौंफ लीजिएगा, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच काला नमक और नमक स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, ये हम डाल देते हैं इसमें लहसुन। दोस्तों, हम ये सारे मसाले ग्राइंडर में हम डाल लेते हैं। दोस्तों, इसमें हम आधा कटोरी पानी डाल देंगे। हम इसे ग्राइंडर में हम इसे पीस लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार और चटपटी चटनी बनी है। आप इसको चाहे तो समोसे के साथ या पकौड़े के साथ, रोटी के साथ या खाने के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।